दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 12 एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उन लोगों के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का अंतिम और लास्ट लेसन है, वो है 18 और उसका टाइटल है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, भारत एक यात्री की नज़रों से। और यहाँ पर ये जो यात्री है ये एक अमेरिकन यात्री है, पर्ल एस बग, एक लेडी राइटर है। वो जब भारत आई थी तो उसने भारत के बारे में क्या देखी, चलिए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। इंडिया काइंड ऑफ नेशन डिड इंडिया इमर्ज आफ्टर फ्रीडम, भारत एक ऐसा देश है जो कि आज़ादी के बाद क्या उभर पाया। इंडिया हैड ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, भारत जो है मेरी जिंदगी का एक पृष्ठभूमि हमेशा से रही है, बट आई हैड नेवर सीन इट, लेकिन मैंने उसे जिंदगी में कभी देखा नहीं था। एंड इट होल्ड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ, और ना तो मैंने इसे पूरी तरह देखा था और ना मैं स्वयं ही इसे देख पाई थी। येट द स्टोरीज दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, लेकिन हाँ कुछ कहानियाँ जो मेरे भारतीय डॉक्टर थे उनसे मैंने जरूर कुछ कहानियाँ सुन रखी थी। एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नियों से भी, टोल्ड मी व्हेन आई वाज चाइल्ड, वो हमेशा कुछ कहानियाँ कहा करते थे जब मैं एक छोटी बच्ची थी। हैड वूवन देमसेल्फ इनटू माय ग्रोइंग ड्रीम्स, और इन्हीं कहानियों ने मेरे दिमाग में एक तरह का सपना बुन दिया था भारत के बारे में। I had long read everything. मैंने भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी थी। That I could find that, जो भी मैं पढ़ सकती थी that country, उस देश के बारे में। From my father, मेरे पिताजी, I had learned of it through Buddhism. मेरे पिताजी ने जो यहाँ से बुद्धिज्म के बारे में जाना था। And the life history of the Lord Buddha, और लॉर्ड बुद्धा के इतिहास के जीवन के बारे में भी जो जाना था वो सब मैंने अपने पिताजी से जाना। द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड मी ऑफ द वैरायटी ऑफ ह्यूज, जो कलर का मतलब होता है विभिन्न जो रंग है, वो रंग है मेरे दिमाग में भारतीय जीवन के बारे में। एज वरियज एज आवर ओन अमेरिकन ह्यूमन सीन, ये ठीक वैसा ही था या थोड़ा सा उससे अलग था जैसा कि हमारे अमेरिकन मानव जाति में था। मतलब रंग की दृष्टि से देखेंगे तो जो अमेरिका था वो ज़्यादा फेयर कलर में थे, और यहाँ पर भारत में थोड़ा सा काले लोग रहते हैं, थोड़ा सांवले लोग रहते हैं। इन कश्मीर वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो पेनिट्रेटेड इंडिया, जो कश्मीर में मैं देखी थी कि वहाँ पर जो सफ़ेद रंग के, यानी कुछ विदेशी सफ़ेद रंग के जो लोग थे, बारबेरियन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, घुसपैठी कर गए, वो अंदर आ गए, इन्वेडर्स यानी घुसपैठिए फ्रॉम यूरोप, वो लोग सबसे पहले यूरोप में आ गए, लॉन्ग एगो बहुत पहले आ गए, पेनिट्रेटेड इंडिया, और इंडिया में ही प्रवेश कर गए। द पीपल आर ऑफन फेयर, ऐसे लोग के जो रंग है, कलर है, जो कश्मीर के लोगों का रंग है वो हमेशा गोरा होता है। अर्बन हेयर्ड, उनके मुड़े हुए बाल होते हैं। ब्लू आइड, उनकी नीली आंखें होती हैं। वुमेन एंड आर ब्यूटीज, जो महिलाएं की जो सुंदरता है वो मतलब नीली आंखों वाली होती है। डियर अ यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन, जो मेरा एक भारतीय दोस्त है, हैज़ रिसेंटली मैरिड अ कश्मीरी मैन, उसने अभी अभी एक कश्मीरी लड़के से शादी की थी। हु थॉट हिज हेयर इज डार्क, जो वो सोचती थी कि उसके जो बाल है वो काले हैं। हिज आइज ऑफ ए क्लियर ग्रीन, और उसकी जो आंखें एकदम स्वच्छ हरी थी। द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज वेरी लवली क्रीम, और उसके जो कलर था उसका कलर भी एकदम गोरा था, क्रीम के समान था। एंड द फीचर्स आर क्लासिक एज द ग्रीक, और उसके जो फिजिकल बॉडी के जो प्रॉपर्टी थी, गुण थे, वो ठीक ऐसे ही थे जैसे कोई ग्रीक निवासी के रहते हों। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉजियन रेस, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि भारत के जो लोग हैं उनको इस तरह से माना जा सकता है, गिना जा सकता है, जैसे उसमें विभिन्न प्रजाति के जो अलग अलग जिनकी रंग भेद होते हैं वो सब पाए जाते हैं।
वट एवर द कलर ऑफ द स्किन इन द साउथ, हो सकता है कि जो साउथ में यानी दक्षिण में जो उनकी चमड़ी का रंग कुछ और होता हो, दो इट बी एज ब्लैक एज एनी अफ्रीकन, ये उतना ही काला होता था जितना कि किसी अफ्रीकन व्यक्ति का होता है। यूशी, तुम देखते हो हाउ इंडिया हैज वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ, तुम देखते हो कि इंडिया में किस तरह का जो जीवन अलग अलग प्रवेश कर गया है, मतलब भिन्नताएं कितनी है। एंड कंसीडर हाउ इंडिया हैज मैनेज, और आप देख सकते हो कि किस तरह से भारत ने इनके बीच में सामंजस्य बना के रखा, उसको विस्थापित बना के रखा है। मेयरली बाय मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस, केवल आज़ादी के बाद ही, एंड यस हाँ बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल, आज़ादी के बाद ही भारत में ऐसे एक से एक उत्कृष्ट लोग इन्हें ज्ञानी लोग का जन्म हुआ टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया एंड इन दिस फ्यू शॉर्ट ईयर ऑफ द फ्रीडम, और ये भी आज़ादी के केवल कुछ ही वर्षों में हुआ। दे हैव पुट टू गुड यूज द बेनिफिट ऑफ द इंग्लिश गिव एंड लेफ्ट, उन लोगों ने जो अंग्रेज भारत में आज़ादी के बाद छोड़ गए थे उनका उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका उपयोग किया। एंड द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, और जो पश्चिम का जो ज्ञान था उसका भी उसने भरपूर यूज किया। द प्योर एंड एग्जिटिवली एनन्सिएट इंग्लिश टंग ऑफ मैन, जो कि शुद्ध और उत्तम उच्चारण है जिन लोगों का, यानी वहाँ के लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं। एंड वुमेन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्लोब, और जो महिलाएं रहती थी वो दोनों तरफ की जो महिलाएं थी वो पूरी तरह से शिक्षित थी। द ग्लोब विटनेस, पूरा विश्व इस बात का गवाह है। नेहरू एंड विथ हिम अ होस्ट ऑफ मैन लर्निंग हाउ टू गवर्न, नेहरू और उसके जो एक साथी है, खासकर हो सकता है उसमें उसकी मंत्रिमंडल है, ऑफ लर्निंग यानी जो सीखने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बात को सीखा हाउ टू गवर्न कि कैसे शासन किया जाए। एंड द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, और जो पहली महिला थी जनरल असेंबली की जो राष्ट्रपति बनी, मतलब महिला अध्यक्ष बनी, वो भी कहाँ की थी, भारतीय थी, ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अ वुमेन ऑफ इंडिया, वो भी भारत से ही बिलोंग करती थी। एंड द मैन इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर, और एक व्यक्ति जो कि प्रिजनर यानी जेल अध्यक्ष था, जेल अधीक्षक था, एक्सचेंज इन कोरिया एंड इंडिया एंड इंडियन जनरल, जो कि कोरिया में जो कैदी थे उसमें रखे गए थे उनके लिए था, एंड इंडियन जनरल, वो भी भारतीय जनरल ही था। हु वन द ट्रस्ट फ्रॉम ऑल, और उस व्यक्ति ने पूरे कैदियों का दिल जीत लिया। इवन द ब्लस्टर एंड एक्यूजेशन एट होम, यहाँ तक कि ये जो आरोप की जो धमकाना और जो आरोप है जो घर में लगाए गए एंड एब्रोड और विदेशों से लगाए गए, हैव नॉट चेंज द क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया, कि भारत में धमकी दी गई कि आप मतलब विकास नहीं कर सकते, मतलब भारत को कई तरीके से विकास में बाधाएं पहुंचाई गई, धमकी दी गई, लेकिन इस चीज से भी भारत का विश्वास नहीं डगमगाया। एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन यील्डिंग, और ये जो विश्वास है इसने एक जिद, एक दृढ़ निश्चय, एक आदर्श बना दिया, परमिट्स आवर वर्ल्ड लाइफ, और ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता चला गया। व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी, मैं भारत क्या देखने जाना चाहती हूँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ देखने, नॉट द ताजमहल, ताजमहल देखने नहीं आई, ऑल दो आई डिड सी, यद्यपि मैंने इसे देखा, बट बाय मून लाइट नॉट फतेह, यद्यपि मैंने इसे चांदनी रात में भी देखा, नॉट फतेहपुर सीकरी, न तो मैं फतेहपुर सीकरी देखने आई थी, ऑल दो आई डिड सी इट, यद्यपि मैंने इसे भी देखा, एंड नॉट द ग्लोरी ऑफ द एम्पायर इन न्यू दिल्ली, न तो मैं दिल्ली में जो साम्राज्य की जो शौर्य गाथा है उनको देखने आई, ऑल दो आई डिड सी देम, लेकिन यद्यपि मैंने उन सबको देखा, आई वेंट टू इंडिया टू सी द एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ द पीपल, मैं भारत को आई थी केवल भारत को देखने और दो समूहों के लोगों को सुनने के लिए आई थी। वो दो समूह कौन है, दो किन लोगों को मैं सुनने आई थी, द यंग इंटेलेक्चुअल्स, एक तो वो विद्वान लोग जो जवान हैं इन द सिटी, जो शहरों में रह रहे हैं, एंड द पीजेंट्स इन द विलेज, और गांव में रहने वाले उन किसानों को मैं सुनने आई थी। दीज आई मेट इन अ लिटिल रूम्स, जिनसे मैं मिली थी एक छोटे से कमरे में, इन द सिटी यानी एक सिटी में मिली और एक गांव में मिली, इन द लिटिल हाउस इन द विलेज, गांव का एक छोटा सा घर, एंड आई हियर्ड द प्लान फॉर द फ्रीडम, और मैंने गांव में उन लोगों के घर में
आजादी की योजना किस प्रकार बनाई जाती है इसके बारे में सुना। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल बिलीव, क्योंकि हमारे युवा विद्वान जितने भी हैं वो सब इस बात को अच्छी तरह से विश्वास करते थे दैट अनदर वर्ल्ड वाज इनविटेबल, कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो जरूरी था। दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि वो पहले विश्व युद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। बाय व्हाट दे फेल्ट वर ब्रोकन प्रमिसेस ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ने पहले विश्व युद्ध में जो जो वादे किए थे वो वादे पूरे ना करके उन्होंने उसको पूरी तरह से तोड़ दिया था। द इंग्लिश दे डिक्लेयर्ड, जो कि अंग्रेज जो उन्होंने एक बात की घोषणा कर दी थी, हैड नो रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल, कि उन्हें भारत में रहने का अब कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज इट कुड शी कुड, भारत ने जितना इंतजार वो कर सकता था उतना इंतजार किया। एंड पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल वेयर ऑन द सेम साइड, जो किसान थे और जो विद्वान थे पढ़े लिखे लोग थे, हालांकि वो पहले अलग अलग थे, वो पक्ष में नहीं थे आज़ादी के, लेकिन बाद में वो सब एक तरफ हो गए। एंड इन द ओन प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन, और मिलकर एक अजय मतलब भारत को जीतने की तरफ आगे बढ़ने लगे। इट वॉज गांधीज स्ट्रेंथ, ये तो गांधी की ताकत थी दैट मेड हिम नो वेरी अर्ली दैट, जिन्होंने जो बहुत पहले ये बात को जान गए थे कि भारत की ताकत क्या है। एंड देन बोथ द पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल, और किसान और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन दोनों को मिलकर कैसे काम करना है। मस्ट बी वांट टू वर्क टुगेदर, दोनों फॉर देयर कंट्री, देश की आज़ादी के लिए दोनों को कैसे मिलकर काम कराना है। इस होल्ड वाज इक्वली स्ट्रॉन्ग अपॉन बोथ, गांधी जी की दोनों पर बराबर बराबर पकड़ थी, किसानों पर भी और युवा अवस्थाओं पर भी, युवा लोगों पर भी। सो ही अचीव्ड हिज एंड, इसलिए उन्होंने भारत की आज़ादी को प्राप्त कर लिया विदाउट वार परहैप्स, और उन्होंने किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं किया शायद। परहैप्स वी अमेरिकन डू नॉट येट फुली अंडरस्टैंड द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैज टू टीच इन हिज विनिंग हर फ्रीडम, हम अमेरिकन को शायद अभी भी ये बहुत समझना बाकी है, ये सबक सीखना बाकी है जो इंडिया ने अपनी आज़ादी को पाकर दूसरों को सिखाना चाहा। बिसाइड हर माइटी ट्रंप, जो भारत ने जो शक्तिशाली विजय प्राप्त की थी उसके अलावा, और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, वो आज़ादी भी जो कि बिना खून बहाए प्राप्त करी क्रांति के द्वारा, ऑफ आवर वार इंडिपेंडेंस श्रिंग इन साइज, इस वजह से जो आज़ादी है उसको बहुत छोटी हो गई, बहुत सिकुड़ गई एंड कॉन्सेप्ट, और एक सिद्धांतगत रह गई। इंडिया हैज टॉट ह्यूमैनिटी अ लेसन, भारत ने मानवता का पाठ पढ़ाया है। एंड इट इज़ टू पैरल, और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे इफ़ यू डू नॉट लर्न इट, यदि हमने इस बात को नहीं सीखा तो। द लेसन, वो सबक कौन सा है, दैट वॉर एंड किलिंग अचीव्ड नथिंग बट लॉस, कि युद्ध से और लोगों को मारने से कुछ भी हासिल नहीं होता बट लॉस, प्राप्त तो कुछ नहीं होता केवल नुकसान होता है। दैट अ नोबल एंड इज एश्योर्ड, लेकिन एक उत्कृष्ट जो अच्छा जो अंत है वो तभी हासिल हो सकता है, ओनली इफ वी मीन टू अटेन इट, यदि हम अच्छे साधनों से उसे प्राप्त करें। एंड आर ऑफ ए पीस विथ इट एंड ऑल्सो नोबल, और जिसमें शांति भी शामिल हो, और ऑल्सो नोबल, और वो जो हम साधन अपना रहे वो भी उत्कृष्ट होना चाहिए। द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, ये जो कॉलोनाइजर जो उपनिवेशवाद चल रहा है उसका सबसे मुख्य कलंक क्या था। हाउ एवर वास्ट टू बी फाउंडेड इन विलेज इंडिया, ये जब हम ये जितना भी कलंक है ये सब हम गांव में, भारत के छोटे छोटे गांव में देख पाते हैं। देयर वाज रॉट एट द टॉप, जिसमें जो अच्छा व्यक्ति है वो सड़ रहा है, मतलब ऊर्जावान व्यक्ति भी रॉट हो रहा है, सड़ रहा है। टू इन द थाउजेंड ऑफ द यंग इंटेलेक्चुअल्स, हमारे हजारों युवा साथी ट्रेन इन इंग्लिश स्कूल, जो कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े थे फॉर जॉब्स, अभी भी लेकिन भटक रहे हैं नौकरियों के लिए। दे डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विस, और नौकरियां तो कहीं भी नहीं थी, केवल थोड़ी बहुत छोटी जो नौकरियां थी वो भी केवल सिविल सर्विस में थी, प्रशासनिक सेवा में ही रह गई थी, बाकी भारतीयों को कोई जॉब नहीं मिलती थी। द टाउन एंड द सिटीज वर फ्लोटिंग, जो नगर और जो शहर थे वो इस तरह के बेरोजगारों से भर चुके थे, विद एन हैप्पी यंग मैन, जिसमें केवल दुखी नौजवान युवा ही रहते थे, कल्चर्ड संस्कृत एंड वेल एजुकेटेड, और एकदम वेल एजुकेटेड थे, सुशिक्षित व्यक्ति थे। वो कुड नॉट फाइंड नो जॉब, जो कोई प्रकार की नौकरी नहीं पा सके। एंड वर नॉट अलाउड द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर टू क्रिएट देम,
और ना तो उन्हें कोई ऐसी परमिशन थी, ऐसी अनुमति थी कि जो वो कुछ अपनी तरफ से नया बना सकते थे, क्योंकि वो रोका गया था। यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर, साम्राज्य जिन्होंने बनाया था उन लोगों के द्वारा ऐसी कोई परमिशन नहीं थी कि वो नया कोई इतिहास बना सके। बट द रियल पावर ऑफ एविल, लेकिन सबसे बड़ी जो इन्होंने शत्रुता की उसका सबूत ये था, आई से अगेन, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूँगी, वाज इन द मिजरेबल विलेज, जो सबसे बड़ा जो गांव का दुख है वही इसका प्रूफ है, उदाहरण है। आई थॉट, मैं सोचती थी, आई हैड सीन पॉवर्टी, कि मैंने जो गरीबी देखी थी इनफ इन चाइना, वो वही गरीबी थी जो चाइना में थी, येट वेन आई सॉ द इंडियन विलेज, लेकिन जब मैं भारत के गांव में आई, आई न्यू, मैं जान गई, दैट द चाइनीज पीजेंट वॉज रिच इन कंपेरिजन, कि भारत की तुलना में तो चाइना के जो किसान है वो अमीर है। ओनली द रशियन पीजेंट आई हैड सीन यस बिफोर कुड कंपेयर विद द इंडियन विलेजर, लेकिन भारत के जो किसान है वो इतनी दयनीय, इतने गरीब है, उनकी तुलना तो केवल रशिया के यानी रूस के किसानों से ही की जा सकती थी। ऑल दो दैट रशियन वॉज अ वेरी डिफरेंट क्रिएचर, यद्यपि जो रशिया के यानी रूस के जो किसान है वो भी एक भिन्न प्रकार के प्राणी थे, एंड इन्फीरियर इन मेनी वेज, और ये कई बातों में घटिया भी थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, यानी कोई उनका लेवल नहीं था। फॉर द इंडियन प्रेजेंट वॉज लाइक द चाइनीज इन बींग द पर्सन इनैटली सिविलाइज, जो भारतीय जो किसान है वो सहज रूप से चाइना के समान ही बहुत ही एक सुसज्जित व्यक्ति था। मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज ह्यूमन फैमिली लाइफ, जो इसका परिपक्व जो संस्कृति थी भारत में, व्यवस्थित मानव जीवन का जो परिवार था वो सबसे महत्वपूर्ण था, एंड प्रोफाउंड फिलोसफिकल रिलीजन, और जो भारत में जो धर्म का इतना गड़ा हुआ यानी बहुत गहरा दार्शनिक मजबूती एक नींव थी, हैड सेव्ड हिज माइंड, और इसी दार्शनिक, इसी धर्म ने भारत को माइंड को एक आकार दिया, एंड सोल, और आत्मा को भी एक आकार दिया। इवन दो ही कुड नॉट रीड, यद्यपि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं सकते हो एंड राइट ना लिख पाते हो, एंड द चिल्ड्रन एंड द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन विलेज, ना तो वहाँ के लोग ना बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो, हाउ दे टोर एट माई हार्ट, लेकिन उन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने मेरे दिल को इस तरह से तोड़ दिया थीन, क्योंकि वो एकदम से कमजोर दिख रहे थे, बिग बेली, उनका जो पेट था वो बहुत बड़ा बाहर निकल चुका था, एंड ऑल विथ ह्यूज सैड डार्क आई, उनकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी, एकदम काली हो गई थी। आई वंडर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, दैट एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट देम, कि कोई क्या अंग्रेज व्यक्ति उनकी तरफ देख सकता है, एंड नॉट एक्यूज हिमसेल्फ, और अपने आप को क्या आरोपी नहीं मानता होगा। 300 ईयर ऑफ इंग्लिश ऑक्यूपेशन एंड रूल, जो 300 सालों तक अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया, एंड कुड देयर बी चिल्ड्रन लाइक दिस, क्या वहाँ के बच्चे ऐसे हो सकते हैं? यस, हाँ हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ देम, उनमें से लाखों बच्चे ऐसे हैं। एंड द फाइनल इंडक्टमेंट, और जो अंत में जो सबसे बड़ा कलंक लगता है, श्योरली वॉज दैट द लाइफ स्पेन इन इंडिया वॉज ओनली 27 ईयर, कि भारत में जो अब जीवन का जो प्रसार था वो केवल 27 सालों तक ही रह गया था, मतलब एक जो साधारण उम्र की सीमा थी वो केवल 27 ही थी एवरेज, 27 ईयर्स, नो वंडर, 27 साल कोई ज़्यादा नहीं होते, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। देन दैट लाइफ वॉज हैस्टेंड, इसलिए जिंदगी में बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी होने लगा। डेट अ मैन मैरिड एट अ वेरी यंग एज, इसलिए जो पुरुषों की या लड़कों की शादियाँ बहुत छोटी उम्र में की जाने लगी, सो दैट देयर कुड बी चिल्ड्रन, ताकि उनमें के घरों में बच्चे हो सके, एज मैनी एज पॉसिबल, जितने हो सकते हैं, बिफोर ही डाइड, उसके मरने के पहले। आई लव्ड इंग्लैंड, मुझे इंग्लैंड बहुत प्यारा लगता है, रिमेंबरिंग ऑल द हैप्पी जर्नीज, और मैं वहाँ की जितने भी यात्राएं हुई थी उन सबको मैं जब याद करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बट इन इंडिया, लेकिन जब भारत में मैं आई, आई सा इन इंग्लैंड डिड नॉट नो, लेकिन जब मैं भारत में आई तब मुझे पता चला कि इंग्लैंड ऐसे तो नहीं हो सकता, इतना बुरा नहीं हो सकता इंग्लैंड, एंड आई वॉज फोर्स टू सी दैट, और मुझे भी भारत में बलपूर्वक वही देखने को कहा गया जो वो दिखाना चाहते थे, दैट इज द इंग्लिश, जैसा अंग्रेज दिखाना चाहते थे, इन मेनी वेज, कई तरीकों से, द फाइनेस्ट पीपल ऑन अर्थ, कि वो दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हों, अ पीपल हु ब्लेज, एक व्यक्ति जो रास्ता दिखाता है, द वे फॉर ऑल ऑफ अस,
जो हम सब के लिए एक रास्ता बताता है टू अचीव द राइट ऑफ द मैन, किसी भी आदमी के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एंड टू रूल देमसेल्फ, और शासन करने के लिए। इफ कॉलोनिज्म वाज सो करप्ट, यदि उपनिवेशवाद इतना भ्रष्ट था, इवन दीज एंड देन, ये वाला जो भ्रष्टाचार था, एंड देन इंडीड, और सचमुच में नन ऑफ अस कुड डेयर टू बिकम अ रूलर ऑफ द एम्पायर, तब ऐसी स्थिति में कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति भी इस भारत जैसे छोटे देश का शासक नहीं बनना पसंद करेगा। द डिवोशन गिवन नेशनली टू गांधी, जो सभी में समर्पण था वो राष्ट्रीय रूप से गांधी के प्रति था। एंड फाइनली इवन इंटरनेशनली, और यदि हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आई एज वेल नोन, जैसा मैं अच्छी तरह जान सकता हूँ, आई परफॉर्म द सेम होमेज पेड टू द लोकल पर्सन, और मैं जो यहाँ के लोकल व्यक्ति है उनको भी उतनी श्रद्धांजलि देता हूँ, सम्मान देता हूँ, हु इन देयर मेजर वर ऑल्सो यूज ऑफ देयर सेल्फिशनेस, हु वेयर इन द मेजर, जो कि आशा रखते हैं, जिनको मापा जाता है, वेयर ऑल्सो यूज ऑफ देयर सेल्फिशनेस, जो कि अपनी स्वाभिमानता को भी बनाए रखते हैं। दस आई रिमेम्बर, इस प्रकार मुझे याद हुआ, अ सर्टेन इंडियन विलेजर, एक निश्चित भारतीय परिवार, वेयर आई हैड लीडर्स बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस, और जहाँ पर मैंने उन्हें एक लीडर के रूप में देखा, क्योंकि वो स्वार्थी नेता ने, या कहना चाहिए कि एक भारतीय मुखिया ने मुझे अपने घर पे बुलाया, टू विजिट इन द होम ऑफ फैमिली ऑफ ए सम मॉडर्न एजुकेशन, जिसमें ऐसा लगता था कि वो लोग आधुनिक शिक्षा लिए हुए हैं, यानी आधुनिक रूप से शिक्षित है, दो नॉट मच, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एंड सम मीन्स, और यदि हम कुछ रूप में देखें, मध्यम वर्गीय देखें, दो नॉट वेल्दी, वो कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति भी नहीं था। द हाउस वॉज मड वॉल्ड, जो घर था वो मिट्टी का था, और उस पर कोई गोबर से उस पर लिपाई पुताई की गई थी। एंड द रूफ वॉज ऑफ थैज, और जो छप्पर भी थी वो घास फूस की बनाई गई थी। इनसाइड सेवरल रूम्स, उनके घर के अंदर कई कमरे थे। हाउएवर, हालांकि, द फ्लोर स्मूथ, लेकिन उनका जो नीचे का फर्श था वो काफ़ी चिकना था। एंड पॉलिश्ड विथ यूजुअल मिक्सचर ऑफ काउडंग एंड वाटर, और जो नीचे का जो फ्लोर था वो गोबर और पानी से, उसके मिश्रण से ही पॉलिश किया गया था, लीपअप होता गया था। द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस वॉज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली, जो वहाँ का व्यक्ति था जो बहुत सक्रिय काम कर रहा था, वो उस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य नहीं था, मुखिया नहीं था, बट अ यंगर ब्रदर, बल्कि उससे थोड़ा छोटा था। दिस आई डिस्कवर्ड, ये बात जब मुझे पता चली, वेन आई अराइव्ड, मैं अंदर गई, फॉर बिफोर वी एंटर द हाउस, इससे पहले कि मैं घर के अंदर जाती, माई हाउस लेड मी टू ए क्यूरियस सॉर्ट ऑफ ए केज स्टैंडिंग वेल अबव द ग्राउंड, मेरा जो मेजबान था मुझे एक पिंजरे के सामने ले गया, एक प्रकार का पिंजरा था, झील जैसा था, उसके सामने खड़ा हो गया, एबव वेल ऑन द ग्राउंड, और मैं उस जमीन के सामने, यानी उसके सामने खड़ी हो गई, ऑन फोर पोस्ट, और जो जेल था, एक पिंजरानुमा जो आकृति थी वो चार खंभों के ऊपर लगाए गए थे। इनसाइड द केज, उस पिंजरे के अंदर, मेड ऑफ वायर नेटिंग, जो कि जाल का बुना हुआ था ये पूरा केज पिंजरा, आई सा टू माई अमेजमेंट, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ उस चीज़ को देखकर, एन एजिंग मैन लाइंग ऑन हिज बैक, कि एक बहुत बूढ़ा आदमी उस पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है, हिज हेड सपोर्टेड बाय अ पिलो, और उसका जो सर है उसको एक तकिए से सहारा दिया गया है। माई एल्डेस्ट ब्रदर, उसने कहा, ये मेरे बड़े भाई है। माई होस्ट एक्सप्लेन्ड, उन्होंने, मेरे मेजबान ने मुझे समझाया, ही हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, उनको एक लकवा का दौरा हो चुका है। एंड दो वी बैग्ड हिम टू लिव इन द हाउस, हालांकि हमने उनसे कई बार प्रार्थना की कि आप घर के अंदर रहें, ही चूज टू लिव आउट हियर, लेकिन उन्होंने यहीं पर रहने की चुना, सो दैट, ताकि ही मे बी रेडी टू लिसन टू द विलेजर, ताकि वो गांव के लोगों को सुन सके, विच वेन कम टू हिम, जो लोग भी उनके पास आते हैं वो उनसे बात कर सके। माई होस्ट स्पोक फेयर इंग्लिश, मेरा जो मेजबान था वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल रहा था, बट द एल्डेस्ट ब्रदर स्पोक नन, लेकिन उसके बड़े भाई ने हमसे कुछ नहीं बोला। एंड वी कुड ओनली एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, केवल हम लोग हाथ केवल जोड़कर ग्रीटिंग अभिवादन कर सकें। एंड लुक एट ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ देखते रहे, विथ फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना व्यवहार की तरीके से।
वट आई सा में जो मैंने देखा वाज एन इंटेलिजेंट कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, थिन था, पतले थे, ब्रेन शार्पन थे और उनका जो बहुत कुशाग्र बुद्धि थी उनके चेहरे पर ऊज था। वेन हुज आइज वर एट वंस वाइज एंड पियर्सिंग और उनकी जो आंखें थी बहुत बुद्धिमान थी और छुपती हुई थी यानी किसी भी चीज़ को गहराई से देखने की थी। द बॉडी वॉज क्वाइट हेल्पलेस लेकिन उनकी जो शरीर था वो बहुत कमजोर था। बट इट वॉज स्कर्पली क्लीन एंड द कॉटन गारमेंट वर स्नो वाइट लेकिन बहुत ईमानदारी से यदि कहें तो बहुत साफ था, स्वच्छ था और सूती कपड़े हुए पहने हुए था, ऐसा लग रहा था एकदम बर्फ से ढके हुए हों। वी एक्सचेंज अ फ्यू रिमार्क्स हमने एक दूसरे की तरफ कुछ टिप्पणी की एंड देन अ ग्रुप ऑफ विलेजर अप्रोच और तभी वहाँ पर गाँव का एक ग्रुप आ गया। नॉट टू सी मी लेकिन वो मुझे देखने नहीं आया था बट टू टॉक विद द एल्डर ब्रदर जो कि बड़े भैया से बात करने आया था। एंड सो माई होस्ट लेड मी इन टू द हाउस इसलिए मेरे मेजबान ने मुझे घर के अंदर ले गया टू मीट इज यंग वाइफ ताकि मैं उसकी पत्नी से मिल सकूँ एंड चिल्ड्रन और बच्चों से मिल सकूँ। ऑल ड्यूरिंग माई स्टे जब तक मैं वहाँ पर रही आई वॉच द केज मैं उस पिंजरे को देखती रही एंड सेल्डम इंडीड और कभी कभी डिड आई सी एक्सेप्ट और कभी मैं और उसके अलावा भी कहीं देखती थी सराउंडेड बाई पीपल लोगों को देखती थी एंड नेवर और कभी भी ऐसा नहीं हुआ एज लॉन्ग एज डे लाइट लास्टेड जब भी मैंने देखी मतलब जब तक दिन नहीं ढल गया तब तक वहाँ पर लोग आते ही रहे ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि लोग वहाँ ना हो विदाउट एटलीस्ट वन मैन स्क्वैटिंग ऑन द ग्राउंड मैंने कभी ऐसा क्षण नहीं देखा कि कम से कम कोई एक व्यक्ति भी वहाँ घुटने के बल पर ना बैठा हो। टॉकिंग अर्नेस्टली और बड़ी उत्सुकता से वो बात कर रहे थे एंड देन लिसनिंग और उनको ध्यान से सुनते भी थे। माय होस्ट सेड मेरे मेजबान ने कहा माय ब्रदर हैज ऑलवेज बीन अवर वाइस मैन हमारा जो भैया वो हमेशा से बुद्धिमान व्यक्ति रहा है। नाउ ही इज अवर संत और अब वो हमारे संत व्यक्ति हैं। माय होस्ट मेरे मेजबान आई ऑब्जर्व मैंने देखा हैड इज ओन प्लेस उनकी अपनी जगह है टू वह भी इन द विलेज लाइफ गांव के जीवन में फॉर ट्वाइस कई दो दो बार व्हाइल वी वर ईटिंग आवर लंच जब हम अपना लंच कर रहे थे दोपहर का खाना खा रहे थे मतलब दोबारा ऑन दैट डे उस दिन ही रोज फ्रॉम हिज कॉर्नर वह अपने कोने मतलब कमरे के कोने से उठे एंड वेंट आउट टू आंसर अ शाउट और जो बाहर से आवाज़ आ रही थी उसका उत्तर देने के लिए वो बाहर गए अप्रेंटली फ्रॉम अ नेबर शायद वो एक अचानक से किसी पड़ोसी ने आवाज़ दी थी उसका उत्तर देने गए थे। वेन ही कम बैक जब वो वापस आए ही मेड द सेम एक्सप्लेनेशन वही बात उन्होंने हमें यहाँ पर समझाई ये बताई आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजर स्नेक उन्होंने बताया कि मुझे एक खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया था। द लंचन वॉज जो हमारा लंच था दोपहर का खाना था वॉज प्लेन काउंटी फेयर मतलब कंट्री फेयर वो जो देसी जो खाना होता था वही परोसा गया था। लैटिन उसमें दाल थी राइस चावल था स्पिनिश थी और उबली हुई पालक थी वेरी मच बहुत ज़्यादा एंड कंटेनमेंट और मसाला भी था। बिफोर वी ईट इससे पहले कि हम खाते एन ओल्ड कजन ब्रॉट इन ए ब्रास आवर ऑफ वाटर तभी एक चचेरे ने उसके भाई ने एक बहुत बड़ा सा पीला सा एक बर्तन ले आया घड़ा था ऑफ वाटर जो जिसमें पानी भी था एंड क्लीन होम स्पन और एक टॉवल और एक बहुत ही साफ स्वच्छ कपड़ा लाया टॉवल फॉर अस टू क्लींस आवर हैंड और उसने मुझे हाथ धुलाया और उसमें से पूछने के लिए कहा आ नेसरी प्रिमली ऑफ टू ईटिंग विद हिज फिंगर्स क्योंकि यहाँ पर खाने से पहले ये एक प्राथमिक कार्य होता था कि अपनी उंगलियों को साफ करने के लिए क्योंकि यहाँ पर उंगलियों से ही खाना खाया जाता था। चॉपस्टिक्स क्योंकि यहाँ पर कांटे नहीं मिलते थे खाने के बजाय आई हैड यूज ऑल माई लाइफ क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कांटों से ही खाना खाई थी एंड प्रिफर देम टू नाइफ और हमेशा कोशिश करती थी कि मैं चाकू से ही खाना खाऊं एंड फॉक्स और कांटों से बट आफ्टर आई हैड गॉट यूज टू ईटिंग जब मैंने एक बार इनके साथ खाना खाना सीखी विद माई राइट हैंड मैं अपने दाएँ हाथ से खाना खाना सीखी आई लाइक इट तब मुझे ये बहुत पसंद आया एज वेल ठीक उसी तरह आफ्टर ऑल इन सब के बाद वट इज सो क्लीन एज वंस ऑन राइट हैंड वॉश्ड तब मुझे ये पता चला कि हर कोई अपने दाएं हाथ को इतना साफ क्यों रखता है एंड फ्रॉम बेबीहुड और बचपन से ये बात फ्रॉम द इंडियन चिल्ड्रन जो भारतीय बच्चों के बाद सिखाई जाती है टॉट सिखाई जाती है दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विस उन्हें ये बताया जाता है कि जो
दायां हाथ होता है वो हमेशा अच्छे अच्छे कामों के लिए ही उपयोग किया जाता है, सच एज ईटिंग, एंड द लेफ्ट मे बी परफॉर्म मोर लोली टास्क। और हो सकता है कि जो उसका बायां हाथ था वो थोड़ा सा निम्न स्तर के कामों के लिए उपयोग किया जाता हो। अनदर क्लीनिनेस वॉज दैट, और जो दूसरी स्वच्छता भी मैंने ये बात देखी, दैट अवर फूड वॉज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन बनाना लीव, कि हम मैंने ये देखी कि जो खाना भी परोसा गया था वो भी एकदम ताजे केले के पत्तों के ऊपर परोसा गया था, इंस्टेड ऑफ प्लेट्स, ना कि प्लेटों में परोसा गया था। वेल कुक्ड, बहुत अच्छा पका हुआ चावल, राइस पाइल्ड ऑन ए ब्रॉड ग्रीन लीव, जब एक हरे हरे पत्ते में, यानी केले के हरे पत्तों में यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी यदि चावल आप लाएंगे, इज अ प्लीजेंट साइड, यह देखना बहुत अच्छा लगता था, एंड स्टिमुलेट द एपेटाइट, और इससे भूख भी बहुत बढ़ जाती थी। इन एनी हाउस होल्ड वेयर कास्ट वॉज ऑब्जर्व द फूड वॉज प्लेस्ड ऑन सच लीव्स, इन एनी हाउस होल्ड, यानी किसी भी घर में जहाँ पर जो जातियाँ थी, वॉज ऑब्जर्व, जिसे जाँचा परखा जाता था, द फूड वॉज प्लेस्ड, उनके सामने खाना रखा जाता था, ऑन सच लीव्स, और ऐसे पत्तियों में, यानी केलों की पत्तियों में ही खाना रखा जाता था, और ऑन डिशेज ऑफ फ्रेश पोल्ट्री, या फिर मिट्टी के जो बनाए गए बर्तन थे उस पर भी परोसा जाता था, एंड ब्रोकन आफ्टर वी हैड फिनिश देम विद देम, और उन बर्तनों को भी तोड़ दिया जाता था जब वो खाना खाने के बाद, यानी जब खाना खा लिया जाता था तो उन्हें भी तोड़ दिया जाता था। माय होस्ट फुलफिल्ड माय रिक्वायरमेंट ऑफ हिज कास्ट, जो मेरा जो मेजबान था वो उस निम्न जाति के यानी सभी जातियों की जितनी भी आवश्यकताएं थी उनको पूरी करता था, बाय इटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, और हमेशा कमरे के कोने में ही हमारी तरफ पीट करके खाना खाता था, लंच करता था, एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर विथ हिज बैक टू अस, और फर्श पे बैक बैठता था और उसकी जो पीठ थी वो हमारी ओर रहती थी। बाय नाउ आई हैड लर्न टू ओवरकम माई फर्स्ट फीलिंग, और ये बात मैं लगभग थोड़ा थोड़ा सीख चुकी थी, जो मैं अपनी फीलिंग, जो मेरी अपने अनुभव थे उसके ऊपर मैं काबू पा रही थी, अबाउट अ डिस्टेंस, एक दूरी के बारे में, सच एज दिस, कि इस प्रकार की दूरी क्यों रखी जाती है। इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन टू अ रिलीजियस फीलिंग एंड नॉट इन हॉस्पिटेलिटी, ये एक प्रकार का धार्मिक समर्पण ही था, एक धार्मिक भावना ही थी, ये कोई स्वागत या उपेक्षा नहीं थी हमारी। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, जो धर्म है वो भारत में तो पहले से उपस्थित रहा है, इन इट्स बेस्ट, यानी उच्चतम स्तर पे भी रहा है, एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट, और बुरे पहलू में भी रहा है, यानी उसका अच्छा और बुरा दोनों पहलू भारत में उपलब्ध है। फॉर देयर, यहाँ पर, एज एल्सवेयर, फैंटासिज्म रीचेज इनटू एविल, कहीं पर भी जो धर्म का जो बुरा से बुरा रूप था वो एक प्रकार का फिर उन्माद में भी बदल जाता था, यानी एक प्रकार का वो हम कह सकते हैं कि गलत बात थी धर्म की, जो नेगेटिव पक्ष रहता था। आई लाइक द सिंपल एक्सेप्टेंस ऑफ द रिलीजियस मोटिव, मैं हमेशा सहज रूप से किसी भी धर्म को स्वीकार करना मुझे पसंद है। हाउएवर, हालांकि, एंड द परफेक्ट फ्रीडम टू बिहेव एज वंस रिलीजन मूव्ड द सोल, लेकिन जो परफेक्ट, जो सबसे पूर्ण रूप से जो आज़ादी है उसको हम ये मान सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपने धर्म को अपनी आत्मा तक ले जा ले, यानी उसका जो धर्म है आत्मा में भी बस गया हो। दस इन माई फर्स्ट इंडियन फैमिली, हालांकि ये मेरी पहला भारतीय परिवार था, एंड इंटेलेक्चुअल, और ये विद्वान जो था, एंड फेयरली वेल टू डू वन, जो हर काम करने के लिए तत्पर था, वाइल आई सेट, जब मैं बैठी, एंड टॉक्ड विद माई होस्टेस, और मैंने उस मेजबान की पत्नी से जब मैंने बात की, इन हर लिविंग रूम, उसके लिविंग रूम में, यानी जहाँ पर वो सोते हैं वहाँ पर, हमने उनसे बेडरूम के बाजू वाला रूम है या बैठक रूम में, जब मैंने उनसे बात की, एंड इंडियन जेंटलमैन केम विदाउट स्पीकिंग, तभी एक और आदमी कमरे के अंदर आया विदाउट स्पीकिंग टू अस, और हमसे कुछ भी नहीं बोला, एंड मूव ग्रेसफुली टू फॉर एंड ऑफ द रूम, और हमसे बिना कुछ बोले वो कमरे के दूसरे हिस्से में जाकर चला गया, हिज बेयर फीट साइलेंट अपॉन द फ्लोर, और उसका जो पैर थे वो भी, मतलब नंगे पैर थे, मतलब उसके पैरों में भी कुछ स्लीपर वगैरह नहीं थी। देयर ही नेल्ट, वहाँ वो झुका, एंड हिज हेड बोड, और उसने अपना सर झुकाया, सो रिमाइंड फॉर परहैप्स अ क्वार्टर फॉर एन आवर, लगभग वो 15 मिनट तक वो उसी हालात में ही झुका रहा। व्हेन आई ग्लांस्ड एट हिम क्यूरियसली, जब मैंने उसकी तरफ गहराई से देखी, माई होस्टेस सेड, मेरी मेजबान ने कहा,
कि इन अ मैनर एंटायरली कैजुअल, कि ऐसा अक्सर मतलब हो जाता है, इट इज़ माई हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर, ये मेरे पति के सबसे बड़े से भाई है, ही कम्स हेयर ड्यूरिंग द डे, वो हमेशा दिन के दोपहर के समय यहाँ आते हैं, एट इज प्रेयर टाइम, जब उनके प्रार्थना का समय होता है, सिंस हिज ऑन होम इज एट सम डिस्टेंस, हालांकि उनका खुद का घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है, फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि उनके घर से थोड़ा दूर है, वेन द प्रेयर वॉज ओवर, जब पूरी तरह से प्रार्थना समाप्त हो गई, द ब्रदर वेंट अवे अगेन, तो भाई वहाँ से दोबारा चला गया, एंड इट वॉज नॉट एंटिल लेटर, और फिर वो दोबारा नहीं आया, दैट आई मेट हिम, ताकि मैं उससे मिल सकूँ, एंड इट वॉज आउटसाइड ऑफ द प्रेयर आवर, और ये जो था प्रेयर का बाद का समय था, माई लाइफ हैज़ बीन टू क्राउडेड, मेरी जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, विद ट्रेवल्स, जिसमें यात्रा ही यात्रा थी, एंड मैनी पीपल्स फॉर मी टू पुट इन ऑल विद इन द कवर इन वन बुक, और मैं चाहती थी कि मेरी जो कई लोगों के साथ जो मुलाकात थी उसको मैं एक ही किताब में सबको कवर कर दूँ, सबको लिख दूँ, हाउएवर हालांकि इंडीड ऑल माई बुक्स हैव नॉट बीन इनफ टू टेल द थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल, मेरी सभी यदि बुकों को भी मिला लोगे तो वो उतना पर्याप्त नहीं होगी जो मैं कहना चाहती हूँ वो सब मैं लिख सकूँ, ईयर आफ्टर आई लेफ्ट इंडिया, कई सालों बाद मैंने भारत को छोड़ दिया, आई रोड कम, मैंने ये बात लिखा, कम माई बिलव्ड, मैं मेरा प्यार जहाँ मैं आई अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड, जो कि मैंने अंतिम पेज में मेरा दिख रहा था, मतलब जो उसका कवर पेज था मैंने उसमें सिमेटने की कोशिश की मेरे प्रेम को, स्ट्रेंज बहुत अजब गजब की चीज़ है, द अमेरिकन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, कुछ यदि अमेरिकन को छोड़ दो तो हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ दैट बुक, उस किताब का जो सही अर्थ वो समझ नहीं सके, बट द इंडियन रीडर्स अंडरस्टैंड, लेकिन भारतीय परिवार उस बात को अच्छी तरह से समझता है, वी हैव नॉट लिव्ड लॉन्ग इनफ, हम यहाँ पर बहुत लंबे समय तक नहीं जी सके रह सके, परहैप्स टू नो यूनिवर्सली, हम इसको सांसारिक यानी वैश्विक रूप से नहीं जान पाएंगे, दैट द प्राइस ऑफ अचीवमेंट, जो उपलब्धि के लिए जो उन्होंने आज़ादी पाई है उसकी जो कीमत है हम उसको नहीं जान सकते, वट एवर द गोल, उसका लक्ष्य कोई भी हो, इज एन एब्सोल्यूट, लेकिन वो लक्ष्य हमेशा परिपूर्ण रहता है, इन माय बुक, मेरी किताब में आई चूज थ्री क्रिश्चियन मिशनरीज, मैंने अपनी किताब में तीन जो ईसाई की जो मिशनरीज संगठन है उनको मैंने जगह दी टू प्रूव इट, इस बात को सिद्ध करने के लिए, एंड फॉर ऑल द पीपल, और जितने भी लोग हैं आई Have ever known, जिनको मैं जानती थी, the missionary is, वो जितने भी ईसाइयों के संगठन थे, in his way, the most dedicated, वो अपने आप में अधिकतम समर्पित व्यक्ति थे, the most single hearted, और एक चीज पर believe करने वाले थे, he believes that the God is one and one, और वो हमेशा केवल यही मानते थे कि परमात्मा एक ही है, the father of mankind, मानव जाति का जो पिता है वो एक ही है, and That all men are the brothers, और बाकी सभी जो आदमी हैं वो एक दूसरे के भाई हैं, At least the Christian says he so believes, भारत जो ईसाई लोग हैं वो ऐसा इसलिए कहते हैं and so he preaches, और वो ऐसा ही विश्वास भी दिलाते हैं एक दूसरे को भाई बनाने के लिए, Then why has he failed to change the world, लेकिन फिर इन सब के बावजूद भी वो पूरे विश्व को क्यों नहीं बदल पाया, कितने ईसाई हैं यहाँ पर, हम बाकी लोगों को अपने ईसाई क्यों नहीं बना पाए, In spite of this sacrifice, और इतना बलिदान करने के बावजूद भी else they have not been enough, कि शायद ये बात पूरी तरह पर्याप्त नहीं है, and he has not been willing to pay the full price of faith, जो हमारे ईसाई भाई बंधु है वो इस लक्ष्य को पाने के लिए जितनी कीमत चाहिए उतनी कीमत वो अदा करने के लिए नहीं है तैयार, he pays only part, वो अपना हमेशा थोड़ा थोड़ा हिस्सा देते हैं, unable to accept, और मतलब ये बात स्वीकार वो नहीं कर पाएंगे, अटली बिल्कुल नहीं स्वीकार पाएंगे द फुल मीनिंग ऑफ हिज क्रीड, कि उनके धर्म का आखिर सही अर्थ क्या है, आई सी मैं देखती हूँ द सेम रिफ्यूजल हेयर, कि यहाँ पर भी इस तरह का ही इनकार हो रहा है, मनाही हो रही है, इन माई ओन कंट्री, मेरे देश में भी अब ईसाइयों को नहीं माना जाता, मतलब जो ईसाई धर्म उसको इग्नोर किया जा रहा है, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, एंड नॉट अमंग द क्रिश्चन, हालांकि ईसाइयों के मध्य भी ये बात तय नहीं है, बट द पीपल ऑफ इंडिया नो, लेकिन जो भारत के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं दैट इट इज़ टू बी विलिंग टू पे, कि ये कीमत चुकाने की ही बात है,
The last full measures of the cost of an ideal, idealism, जो अंतिम जो कीमत है वो लगाने के लिए वो नहीं लगा सकते. They understand, वो ये बात समझते हैं. And to them, और उनके लिए my book is not a puzzlement. जो कीमत लगाने को राजी है वो उनके लिए मेरी जो किताब है वो कोई पजल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, अनसुलझी कोई बात नहीं है, सब सुलझी हुई बात है. तो ये पर्लेस बैक जो एक ट्रेवलर है, इन्होंने ये बहुत ही मज़ेदार भारत की है ना अच्छी जो पॉजिटिव मैटर्स है उसके बारे में कुछ बातें बताएं. आंसर दीज रिमार्क्स विद द अपोजिट डिस्क्रिप्शन, कि हमें यहाँ पर कौन कौन से अपोजिट बात बतानी है. जैसे आई थॉट यू सेड, मुझे लगा कि तुमने ये कहने तुम ये कह रहे हो ही वॉज शॉर्ट, कि वो छोटा है एंड चबी और गोल मटोल है. नो बिल्कुल नहीं, क्वाइट द अपोजिट, इसके बिल्कुल विपरीत बात है. ही इज टॉल, वो लंबा है यानी शॉर्ट का उल्टा लंबा है, एंड चबी यानी गोल मटोल का उल्टा है, थिन फेस्ड और पतला चेहरा है गोल मटोल की जगह. वॉज इज ब्रदर द डार्क स्किन्ड वेवी हेयर्ड वन, उसका जो भाई है क्या मतलब जो काला है, एंड उसके जो बाल है क्या घूमे हुए हैं, वेव यानी लहराने वाले हैं. नो क्वाइट अपोजिट, बिल्कुल नहीं. हिज ब्रदर इज बाल्डी गाय, जबकि उसका जो भाई है उसके एकदम गंजा है, कोई बाल नहीं है. सी इज ऑलवेज क्वाइट वेल ड्रेस्ड, वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनती हैं. सो आई हैव हर्ड, जैसा मैंने सुना है. व्हाट, हु टोल्ड यू दैट, तुम्हें किसने बताया. एवरी टाइम आई सी हर सी इज स्क्रफी एंड अनटाइडी, मैंने उसको हमेशा जब भी देखा है तो उसके जो बहुत झाड़ झुंगुड़ यानी बहुत ही गंदी अवस्था में देखा है. सो अनिताज दैट रैदर प्लम फेयर हेयर्ड वुमेन इज सी, जो अनिता है वो क्या गोल मटोल है, मोटी है क्या, उसके जो गोरा जो फेयर हेयर्ड गोरी है उसके जो बाल है वो सही है, वुमेन या इस टाइप की महिला है. नो नहीं, यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग वन, तुम बिल्कुल गलत महिला को देख रहे हो. अनिता इज डार्क हेयर, उसके जो बाल है वो एकदम काले हैं, सफ़ेद बाल नहीं है. सो टेल अस अबाउट द न्यू बॉस, हमारे नए बॉस के बारे में क्या है, वो क्या बहुत अच्छे दिखते हैं. नो आई एम अफ्रेड नॉट, मुझे ये डर है. रेदर अनएक्टिव, वो अनाकर्षक है यानी बहुत ही बुरे दिखते हैं. आई डोंट नो वाई आई एक्सपेक्ट द टूर गाइड टू बी द मिडिल एज और एल्डरली, मुझे नहीं पता कि हमेशा जो टूर गाइड होती है मैं हमेशा आशा करती हूँ कि वो हमेशा एक इन्हें मिडिल एज वाला होगा, इन्हें मध्यम उम्र का होगा या बहुत सीनियर होगा, अधिक उम्र होगा. नो अपरेंटली सी इज ओनली अ टीनेजर, नहीं नहीं इस बार तो ऐसा नहीं है, वो कम उम्र की टीनेजर है, इन्हें छोटी उम्र की लड़की है. चलिए, यूज द फ्लेवर वर्ड इन द गिवन बॉक्स, डिस्क्राइब द फॉलोइंग. इंडियन करी कैसी होती है, हॉट होती है, गर्म होती है, सेवरी होती है, ब्लैंड होती है यानी सुगंध देने वाली होती है, खट्टी होती है. पिज्जा कैसा होता है, मिर्ची वाला मतलब मिर्च वाला होता है और टेस्टी यानी स्वादिष्ट होता है. सी वाटर कैसा होता है, नमकीन होता है और सिल्की होता है, फीस वाला होता है, सिकली होता है. एन अनराइप्ड एप्पल यानी कच्चा जो सेफल है वो कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है. द कप ऑफ टी फाइव स्पूनफुल शुगर, जो एक कप चाय जिसमें 5 चम्मच शक्कर मिली वो कैसा होगा, वो सुगरी एंड होट और बहुत मीठा होगा और गर्म होगी. सुगरी स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी विद नो शुगर, जिसमें बिल्कुल भी शक्कर ना और बहुत ज़्यादा काली कॉफ़ी हो वो कैसे होगी, बीटर एकदम कड़वी होगी एंड हॉट और बहुत गर्म होगी. फैक्ट्री मेड वाइट ब्रेड, जो फैक्ट्री में जो ब्रेड बनी होती है वो कैसी होती है, वो स्वीट होती है, मीठी होती है. चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑथर्स नेशनलिटी, कि लेखक का कौन सी देश की है, राष्ट्रीयता क्या है. तो सी इज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन है. अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू टेल दैट ऑथर हैड ऑलवेज लव्ड इंडिया, कैसे कह सकते हैं कि लेखिका ने हमेशा भारत से प्यार किया है. तो वी कैन टेल द ऑथर हैड ऑलवेज लव्ड इंडिया, उसने हमेशा से ही भारत को प्यार किया है, क्योंकि बिकॉज सी है हरसेल्फ सेज, वो हमेशा से ये कहती है दैट इंडिया हैड ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ, कि जो भारत है उसकी जिंदगी की पृष्ठभूमि में हमेशा से रहा है. इन अ चाइल्डहुड, उसने बचपन से सी हैड हियर्ड स्टोरीज अबाउट इंडिया, उसने बचपन से ही भारत की अनेक कहानियाँ सुन रखी थी फ्रॉम हर इंडियन फैमिली डॉक्टर, जो कि भारतीय डॉक्टर परिवार था उसके कपल से यानी दो पति पत्नियों से. एंड इज फादर थ्रू बुद्धिज्म, और उसने अपने पापा से भी उसके पिताजी से भी बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के बारे में भी अनेक कहानियाँ सुन रखी थी. चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कश्मीर, कश्मीर के जो लोग हैं उनका वर्णन करें. द पीपल ऑफ कश्मीर आर ऑफन फेयर, कश्मीर के लोग प्रायः गोरे रंग के होते हैं. दे हैड डार्क हेयर, उनके काले बाल होते हैं. देयर आइज आर ब्लू इन कलर, उनकी जो
आंखें होती है वो नीले रंग की होती है। द स्किन कलर इज लवली क्रीम, जो उनकी जो त्वचा है उनका लवली क्रीम यानी क्रीम कलर का होता है। एंड द फीचर्स आर क्लासिक एज ग्रीक, और लगभग ऐसे गुण होते हैं जैसे कि किसी यूनानी देश के होते हैं। वट इन वट वेज हैड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, क्या आज़ादी के बाद भी भारत ने दुनिया को प्रभावित किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैड इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, आज़ादी के बाद भारत ने पूरे विश्व, इंडिया हैज़ मेड गुड यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, जो भारत ने पश्चिम के जो जानकारियाँ हैं नॉलेज है उसका बहुत अच्छा यूज़ किया। एंड इंग्लिश लैंग्वेज, और उनकी जो भाषाओं का यानी अंग्रेजी भाषा का भी बेहद अच्छी तरह उपयोग किया। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और जो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था वाज एन इंडियन वुमेन, वो भी एक भारतीय महिला थी। एंड द मेन इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया, और कोरिया में जो जेल का अधीक्षक था, जो प्रभारी था, वो जो आदमी था वो भी एक इंडियन जनरल था। इन दीज वेज, और इस तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, उसके बाद भारत ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, विच आर द टू ग्रुप्स दैट द ऑथर इज इंटरेस्टेड इन, किन दो समूहों में उस लेखक को रुचि थी, लेखिका को। द टू ग्रुप्स दैट द ऑथर इज इंटरेस्टेड इन, जो दो ऐसे समूह जिसमें लेखिका को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी, आर द यंग इंटेलेक्चुअल, एक तो वो बहुत ज़्यादा विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग इन द सिटी, जो शहरों में रह रहे हैं, एंड द पीजेंट्स इन द विलेजेस, और गाँव में रहने वाले किसान। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर कंपेयर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का जो आज़ादी का संघर्ष था और उसको अमेरिकन जो आज़ादी का संघर्ष, उसमें कैसे तुलना करती है लेखिका। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अमेरिकन युद्ध था आज़ादी के लिए, वॉज बेस्ड ऑन वायलेंस, उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, वो हिंसा आधारित था। वाइल इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, जबकि भारत की जो आज़ादी का युद्ध था वो अहिंसा पर आधारित था। The author says, लेखिका कहती है, that the American war of independence is nothing and appears to shrink inside. जो अमेरिका का जो युद्ध था वो कुछ भी नहीं था, and appear nothing था, यानी बेकार हो गया, बहुत छोटा हो गया, appears to shrink inside, बहुत आकार में भी छोटा था, and concept, और एकदम उद्देश्य वाइज था। एंड वेन कंपेयर टू इंडियाज ब्लडलेस फ्रीडम स्ट्रगल, जब भारत के रक्त रहित आज़ादी के युद्ध से तुलना की जाती है तो वट प्रॉब्लम्स डिज द एजुकेटेड इंडियंस फेस, किस प्रकार की समस्या जो भारतीय शिक्षित लोगों को यहाँ पर सामना परेशानी का सामना करना पड़ा। द एजुकेटेड इंडियंस फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो भारत के जो युवा थे उन लोगों को बेरोजगारी का समस्या का सामना करना पड़ा। द यंग इंटेलेक्चुअल्स वेयर ट्रेन इन इंग्लिश स्कूल, जो युवा अवस्था युवा लोग थे वो अंग्रेजी स्कूलों में एकदम ट्रेंड थे, प्रशिक्षित थे फॉर जॉब्स, नौकरियों के लिए। दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विस, जो बिल्कुल भी नहीं थी, केवल कुछ सार्वजनिक सेवाओं को छोड़ दें तो केवल कुछ ही प्रशासनिक सेवाओं में सेवा दे सकते थे। There were growing many unhappy young men, इस तरह से बहुत ज़्यादा नाखुश नौजवान लोग बढ़ते चले गए। And cultured, और सुसंस्कृत लोग थे, and well educated, बहुत सुशिक्षित लोग थे, but they could not find no jobs, but लेकिन उन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। चलिए एट्थ क्वेश्चन है, what conclusion did the author draw, कौन सा निष्कर्ष निकाला लेखक ने, when she compared the Indian peasants with those of the other countries, जब उसने दूसरे देशों के किसानों से उसकी तुलना करती है तब। द ऑथर कंक्लूडेड, वो लेखिका ये निष्कर्ष निकालती है, दैट इंडियन पीजेंट वर मोर पुअर, भारतीय किसान कुछ ज़्यादा ही गरीब थे देन दोज ऑफ द अदर कंट्रीज, दूसरे देशों की तुलना के किसानों की तुलना में। बट दे वर नेचुरली सिविलाइज, लेकिन वो लोग प्राकृतिक रूप से ज़्यादा सभ्य थे। इंडियन पीजेंट कुड नॉट रीड एंड राइट, भारतीय किसानों को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। बट मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज ह्यूमन फैमिली लाइफ, लेकिन उनके जो परिवार था उसमें संगठित परिवार में एकदम परिपक्व संस्कृति मिलती थी। एंड प्रोफाउंड फिलोसफिकल रिलीजन, और गहरा धार्मिक उनका आधार था। एंड हैड सेव्ड देयर माइंड एंड सोल, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो मस्तिष्क है और आत्मा को एक प्रकार का आकार दिया था।
चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट रीजन डिड द ऑथर गिव फॉर इंडियंस हैविंग मेनी चिल्ड्रंस. भारतीयों के बहुत अधिक बच्चे होने का क्या कारण दिया उसने. द ऑथर सेड, उस लेखक लेखिका ने कही, दैट द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली 27 इयर्स. जो केवल जीवन की अवधि थी केवल 27 वर्ष थी. देयरफॉर इसलिए मेन वाज मैरिड वेरी यंग. इसलिए बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी. सो दैट जिससे देयर कुड बी चिल्ड्रन, ताकि बच्चे हो सकें एज मेनी एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा हो सकते हों बिफोर ही डाइड, मरने के पहले. टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट मिसकंसेप्शन अबाउट इंग्लैंड वाज रिमूव्ड. कौन सी जो गलत धारणा थी इंग्लैंड के बारे में जो दूर हो गई. व्हेन शी ऑथर विजिटेड इंडिया, जब इंग्लैंड वो भारत में आई. द ऑथर लव्ड इंग्लैंड, लेखिका को इंग्लैंड बहुत पसंद था. एंड थॉट, वो सोचती थी, दैट द इंग्लिश वर द फाइनेस्ट पीपल ऑन द अर्थ, कि जो अंग्रेज है वो पृथ्वी के सबसे अच्छे लोग हैं. बट हर मिसकंसेप्शन वाज रिमूव्ड, लेकिन उसकी जो धारणा थी वो दूर हो गई. When she saw the miserable condition of the Indians, जब उसने भारतीयों की सबसे बदतर स्थिति, बुरी स्थिति देखी, under their corrupt rule, उसके भ्रष्ट शासन के अंतर्गत. Why did the eldest brother leave out of the house? तो उनका सबसे बड़ा भाई है, घर से बाहर क्यों रहता था. The eldest brother has had a stroke of paralysis. उसको, उसके बड़े भाई को लकवा ने मार दिया था, लकवा लग गया था. His family members beg him. उसके सदस्यों ने उससे प्रार्थना की टू लिव इन द हाउस, घर के अंदर रहने के लिए. बट ही चूज टू लिव आउट, लेकिन उसने बाहर रहने को ही चुना. सो दैट ताकि ही मे बी रीड टू लिसन टू द विलेजर, ताकि वो उन गांव वालों को रहने के लिए हमेशा तैयार रहे. रेडी टू लिसन द विलेजर्स व्हेन दे केम टू हिम, जब उनको पास मिलने आए तो वो उनको सुन सके. 12th क्वेश्चन, व्हाट वेयर द ऑथर्स कमेंट ऑन द कस्टम ऑफ ईटिंग विद द राइट हैंड. तो दाहिने हाथ से खाना खाने के रिवाज के बारे में लेखिका ने क्या व्याख्या दी. द ऑथर्स कमेंट ऑन द कस्टम ऑफ ईटिंग, उसने खाना खाने के बारे में ये धारणा दी, ये उसने व्याख्या दी, दैट विद द राइट हैंड वर दैट वन ऑन वास्ट राइट हैंड, कि उसका जो दाहिने हाथ से धुले हुए हाथ से खाने खाने का जो रिवाज है, वाज सो क्लीन, वो इतना शुद्ध था देन एनीथिंग, दूसरी अन्य चीज़ें उसकी तुलना में. तो मतलब दाहिना हाथ से का धुला होना अन्य चीजों की तुलना में बहुत साफ स्वच्छ था. व्हाई डिड द होस्ट ईट विद हिज बैक टुवर्ड द गेस्ट. जो उसका मेजबान है वो पीठ खाना खाते वक्त मेहमानों की तरफ उसने क्यों की थी. टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज कास्ट एंड द होस्ट ईट विद हिज बैक टुवर्ड द गेस्ट. अपनी जाति की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेजबान ने खाना जो है मेहमानों की तरफ पीठ करके खाया. Describe the incident. 14th question is the incident at the intellectual's house that made the authors appreciate the place of religion in Indian life. जो घर में जो घटना का वर्णन करो जो लेखिका ने भारतीय जीवन में धर्म के स्थान की प्रशंसा की थी. Once the author was sitting, जब एक बार लेखिका जो थी उसके घर में बैठी थी and talking her hostess room, और उसकी जो मेजबान की पत्नी से जब वो बात कर रही थी अंदर. Then an Indian gentleman came. तभी एक भारतीय पुरुष, सज्जन पुरुष अंदर आया without speaking to them, बिना उनसे कुछ बोले, and came to prayer, और प्रार्थना करने के लिए अंदर आ गया. The hostess told her that man was her husband's elder brother. उसने बताया कि वो उसके पति का बड़ा भाई है. He came here during the day. वो दिन के समय वहाँ पर आया था या आया करता था. At his prayer time, जो उसके रोज प्रार्थना का समय था. Since his own home was at some distance, जबकि उसका घर यहाँ से कुछ दूरी पर था. From his place of business, उसके दुकान से कुछ दूर पर. This incident made the author appreciate, इस घटना का उस लेखिका ने प्रशंसा करी. The place of religion in the Indian life, कि धर्म का भारतीय जीवन में क्या स्थान है. How has exposure to India affected the author in her writing? भारत के प्रदर्शन ने लेखिका के लेख को किस प्रकार से प्रदर्शित किया या प्रभावित किया. ऑल द बुक्स ऑफ द ऑथर वर नॉट इनफ टू टेल द थिंग्स. जो सभी किताबें थी लेखिका के द्वारा लिखी गई वो पर्याप्त नहीं थी टू टेल द थिंग्स अबाउट इंडिया, भारत के बारे में जो भी उसने देखा था उसको बताने के लिए. विच शी कुड लाइक टू टेल, जो वो सब चीज़ें बताना चाहती थी. द ऑथर वॉन्टेड टू पुट मैनी इंडियन पीपल, जो लेखिका चाहती थी कि हर व्यक्ति के बारे में वो लिखे. Within the cover of one book, ताकि वो एक ही किताब में वो
सब लिखना चाहती थी। आफ्टर मेनी ईयर्स सी लेफ्ट इंडिया, यानी इंडिया से जाने के कई वर्षों बाद तक शी रोट अबाउट इंडियन लाइफ, उसने कई सालों बाद छोड़ा और उसने भारतीय जीवन के बारे में भी लिखा और भी। चलिए 16th क्वेश्चन है, व्हाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैज द क्रिश्चियन मिशनरी फेल टू चेंज द वर्ल्ड, क्रिश्चियन जो ईसाई मिशनरी है क्यों दुनिया को बदलने में असफल हुए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार द क्रिश्चियन मिशनरी फेल टू चेंज द वर्ल्ड, वो इसलिए असफल हो गया ईसाई मिशनरी बिकॉज दे हैव नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस ऑफ फेथ, वो विश्वास की पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं थे। चलिए लैंग्वेज प्रैक्टिस देखते हैं फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक विद द कैन और कुड, यहाँ कैन और कुड लिखना है आपको। व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, कुड नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स, तब मैं फिजिक्स को नहीं समझ सका था। तो अतीत के बारे में हो तो कुड है और जब वर्तमान के बारे में है तो कैन। टेक एन अम्ब्रेला हेयर, यहाँ से अम्ब्रेला छाता ले लो, इट कैन रेन एट एनी टाइम, क्योंकि कभी भी बरसात हो सकती है, तो वर्तमान की बात हो तो कैन, शक्ति को प्रदर्शित करता है कैन। दे सेड, उन्होंने कहा, यहाँ पे सेड आया तो कुड ही आएगा, दे कुड डिलीवर इट नेक्स्ट वीक, कि वो अगले सप्ताह दे सकते थे, बट आई टोल्ड देम, लेकिन मैंने उन्हें कहा नॉट टू, ऐसा नहीं करने के लिए। दे से, उन्होंने कहा दे कैन डिलीवर नेक्स्ट वीक, कि वो इसको गिफ्ट को या जो भी बक्सा है उसको नेक्स्ट वीक दे सकते हैं। यहाँ से आया तो यहाँ कैन ही आया, यहाँ सेड था इसलिए कुड आया था। कैन यू हेल्प, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हेल्प आया ना कि हेल्प्ड नहीं आया, तो फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी कैन आया। कुड यू सेंड मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, क्या तुम मुझे कोर्स के बारे में कुछ जानकारियाँ भेज सकते हो। जब भी हम आग्रह करते हैं तो कुड का उपयोग करते हैं। चलिए मे और माइट का उपयोग करें, परहैप्स सी माइट एट होम, मतलब वो घर पर हो सकती है, सी मे एट होम, यानी वो घर पर हो सकती है, ये इसका करेक्ट है, या सी माइट एट होम, वो घर पर हो सकती है। परहैप्स सहबाज इज बिजी, हो सकता है सहबाज क्या हो, व्यस्त हो, तो सहबाज मे बी बिजी और माइट बी बिजी, दोनों ही करेक्ट है, तो सहबाज हो सकता है कि व्यस्त हो। जब भी कोई संभावना होती है, कंफर्मेशन नहीं होता है, तब मे या माइट का उपयोग कर सकते हैं। प्रार्थना पूर्व हो सकता है माइट, और मे थोड़ा सा उसके लेस पोलाइट है। परहैप्स मोना इज वर्किंग, मोना हो सकता है काम कर रही हो, तो मोना मे बी वर्किंग या मोना माइट बी वर्किंग, हो सकता है वो इस समय काम कर रही हो, तो यदि वर्किंग है तो यहाँ पर बी लगाकर वर्किंग देना है। परहैप्स सी वांट्स टू बी अलोन, वो शायद अकेले रहना चाहती है, सी माइट वांट्स टू बी अलोन, या सी मे वांट टू बी अलोन, कि वो अकेले रहना चाहती है। चलिए इस अनुच्छेद को पढ़े, रीड द केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल्स, विल कैन और शुड, इन तीनों से ही भरना है। इफ वी सिट इन इनकरेक्ट पोस्चर, यदि हम गलत स्थिति में बैठते हैं, इट विल स्ट्रेन अवर बैक, स्ट्रेन यानी ये हमारी पीठ में तनाव पैदा करेगा। एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव है, दिस शुड बी अवॉइडेड, इसको दूर किया जाना चाहिए, बचा जाना चाहिए। इफ द पोस्चर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द हैबिट, यदि ये स्थिति आपकी आदत का एक हिस्सा बन जाती है, एट अ लो बैक पेन, इससे कम दर्द हो, इनवेरिबली डेवलप, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इट कैन बी क्योर्ड, इसे दूर किया जा सकता है, यहाँ पर कैन आएगा, इट कैन बी क्योर्ड, इससे बचा सकता है। इफ वी बिकम कॉन्शियस ऑफ पोस्चर, यदि हम पोस्चर के बारे में थोड़ा सा भी सचेत हो जाए, इफ वी शुड ऑल्सो टेक टाइम, यदि हम थोड़ा सा समय ले, हमें थोड़ा समय लेना चाहिए टाइम आउट टू परफॉर्म अ फ्यू एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के लिए। इफ द एक्सरसाइज आर डन रेगुलरली, यदि प्रतिदिन अभ्यास किया जाता है इसका, द बेक एक कैन सर्टनली बी क्योर्ड, तो पीठ का दर्द को दूर किया जा सकता है, यहाँ कैन आएगा। इट कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव अवर ब्लड सर्कुलेशन विद इन द स्पाइन, तो जिससे हमारी पीठ में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे भी सुधारा जा सकता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, हैड टू और मस्ट नॉट, इनसे आपको ब्लैंक्स भरना है। यस्टरडे आई हैड टू फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, मुझे कल ज्योग्राफी का जो भूगोल का जो प्रोजेक्ट था वो पूरा करना था, यस्टरडे लिखा हुआ इसलिए हैड टू आया। सी विल हैव टू वेट इन लाइन लाइक एवरी वन एल्स, उसे वेट करना ही पड़ेगा लाइन में, तो जब कोई काम जरूरी करना होता है तो हैव टू आता है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट
ऑफ द फ्रीजर, फ्रीजर से हमें चिकन को निकालना नहीं भूलना चाहिए। जब कोई चीज करना अनिवार्य हो जाता है, कर्तव्य है, तो हम यहाँ पे मस्त लगाते हैं। इफ यू आर अंडर 12, यदि तुम 12 साल के हो, यू हैव टू गेट यूर पेरेंट्स परमिशन, तो तुम्हें अपने पिता की परमिशन लेना चाहिए, तो बहुत अति आवश्यक होगा, तब हैव टू लगाते हैं। द डॉक्टर मस्ट गेट देयर एज सून एज ही कैन, डॉक्टर जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा, जितने जल्दी वो यहाँ आ सकता है, तो उसे आ जाना चाहिए, मतलब चाहिए जब भी वर्ड होता है तो मस्ट लगाते हैं। डू यू हैव टू वर्क नेक्स्ट मंडे, क्या तुम्हारे पास नेक्स्ट मंडे कोई काम है, तो हैव टू वर्क यानी कोई पर्टिकुलर कोई आपको कोई बोलना हो, कोई काम हो, तो आप बोल सकते हैं हैव टू से। शहबाज यू मस्ट नॉट लीव योर क्लॉथ ऑल ओवर द फ्लोर लाइक दिस, तो शहबाज तुम्हें अपने जितने भी कपड़े हैं फ्लोर पर नहीं फेंकने चाहिए, छोड़ने चाहिए जैसे, तो जब कर्तव्य हो तो यहाँ पे मस्ट नॉट लगाना चाहिए। से कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स, अब आपको नीचे दिए गए डायलॉग्स को पूरे करने हैं। माइट कुड कैन मस्ट शुड से, फादर कैन यू गो टू पोस्ट ऑफिस, क्या तुम पोस्ट ऑफिस जा सकते हो, अपने लड़के से कह रहा है जस्ट नाउ अभी, एंड सेंड दिस लेटर बाय रजिस्टर्ड पार्सल, और ये जो लेटर्स हैं उसको रजिस्टर्ड पार्सल से भेज दो। सॉरी सन कहता है देयर मे बी रस्ट इन दिस आवर, इस समय बहुत भीड़ होगी, मोर एवर आई कैन नॉट गो टू मी ऑफिस ऑन फुट, और मैं अभी पैदल ही अपने ऑफिस जा सकता हूँ या पोस्ट ऑफिस जा सकता हूँ। फादर कहता बट वाई शुड यू गो टू ऑन फुट, तुम पैदल क्यों जाना चाहिए तुम्हें, व्हाट हैपन टू योर स्कूटर, तुम्हारे स्कूटर को क्या हुआ। सन कहता है इट हैज़ नो पेट्रोल, उसमें कोई पेट्रोल नहीं है, आई कुड नॉट गेट इट फिल्ड बिकॉज देयर वाज यस्टरडे, मैं इसे कल नहीं भरवा सका क्योंकि कल बीता हुआ, शायद पेट्रोल नहीं होगा। ओके यू मे यूज माय मोटरसाइकिल, अच्छा तो तुम मेरी मोटरसाइकिल उपयोग कर सकते हो, बट यू मस्ट नॉट पोस्ट टूडे, यू मस्ट पोस्ट टूडे, लेकिन तुम्हें अभी ही इसे पोस्ट करना होगा, दे आर वेरी अर्जेंट, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वी माइट सफर अ लॉस इफ दे वर डिलेड, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है यदि उसे आज नहीं पोस्ट किया जाएगा, तो माइट का मतलब हमें हो सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही बहुत मज़ेदार इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। जो भी आपको इस वीडियोज़ में कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं जल्दी से उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड वेट टिल माई नेक्स्ट वीडियो।